हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग आपके साथ बहुत ही लेट मैं शेयर कर रही हूँ, ये है संडे का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सैटरडे को जब भी मतलब संडे आने वाला होता है, सैटरडे को मेरा बेटा पहले प्लान कर लेता है कि हमको कहाँ जाना है। क्योंकि क्या होता है कि अब स्कूल भी बंद है और ट्यूशन भी मैंने नहीं लगा रखी अपने बेटे की, अभी छुड़वा रखी है कोविड की वजह से। तो बच्चे घर में पूरे हफ्ते बोर हो जाते हैं, तो एक ही दिन संडे को ऐसा मिलता है जहाँ मम्मी और पापा दोनों साथ रहते हैं। तो बच्चा चाहता है कि मैं बाहर कहीं घूमने जाऊँ, तो बच्चों के लिए जाना पड़ता है। मुझे तो बाहर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती हूँ मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। भले ही मैं मार्केट ही जाऊँ तब भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब मैं किसी की सगाई शादी या बाहर मार्केट ऐसे भी शॉपिंग करने जाती हूँ, तो घर पर आके मुझे उल्टियाँ लगने लगती है, सर दर्द होने लगता है, पता नहीं क्यों। हाँ, मुझे हल्की हल्की माइग्रेन की शिकायत हो रही है, तो इस वजह से शायद मेरा सरदर्द बहुत ज़्यादा रहता है। हफ्ते में 2 दिन सरदर्द रहता है और फिर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं बाहर जाना अवॉइड करती हूँ। बट जाना पड़ता है, बहुत बार जाना पड़ता है। और इस बार हमारा जो हरिद्वार में मकान है, हम वहाँ भी जाएंगे देखने। तो जहाँ जहाँ हम जाएंगे, मतलब जाएंगे क्या, वो वीडियो तो मैं बना चुकी हूँ। ये है, आज है ट्यूसडे, तो मैं ट्यूसडे को उसकी एंडिंग और करूँगी, आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूँगी। तो कहाँ कहाँ हम गए मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए। पतंजलि भी गए थे हम, हरिद्वार गए थे और अपना मकान देखने, उसके बाद हम पतंजलि गए थे, थोड़ी देर वहाँ घूमे। तो आप लोग देखिए कि हम कहाँ कहाँ गए, आई होप कि आपको भी अच्छा लगे। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप संडे के दिन थोड़ा बहुत उनको वॉक करने या शॉपिंग करने या बाहर घुमाने ज़रूर लेके जाया करिए, क्योंकि बच्चे घर में बोर हो जाते हैं। ना तो उन्हें फ्रेंड मिलते हैं खेलने को, ना उनको स्कूल मिलता है, ना ट्यूशन मिलता है, इस वजह से। तो थोड़ा बहुत अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े आपको तो कर लीजिए, संडे को एक दिन अपने बच्चों को ज़रूर घुमाने ले जाइए, क्योंकि यही वो पल है जो उन्हें हमेशा याद रहेंगे। तो और फ्रेंड्स, उसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये मीशो से जो मैंने कुर्तियाँ मंगाई थी, ये वही वाली है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे इसको टाइट कर सकते हैं। और ये मैंने लूज़ ही मंगा रखी थी, 3 मैंने ये फ्रॉक वाली कुर्तियाँ मंगा रखी थी। बहुत ही कम्फर्टेबल, बहुत ही अच्छी है। और बाकी मैंने अनस्ट्रिच सूट मटेरियल मंगाया था, वो भी बहुत अच्छा मुझे मिला। और ये कुर्ती जो है 450 की है शायद, मैंने जो फ्रॉक वाली कुर्ती मंगाई थी वो 450 के करीब मंगाई थी मैंने सारी। तो बहुत ही अच्छी है, सॉफ्ट कपड़ा है। फ्रेंड्स, अभी हम गए हैं पतंजलि के पीछे वाले साइड, पतंजलि फर्स्ट में, और यहाँ पे किसी का इलाज चल रहा था। ये देखिए, मैं आपको जूम करके बता रही हूँ लेकिन नहीं दिख रहा है शायद। और ये है हवन कुंड, यहाँ पे हवन होता है। और चलिए, मैं आज आपको अंदर पूरा घुमाती हूँ कि कैसा है।
फ्रेंड्स, हम पतंजलि आज अंदर भी गए जहाँ की मेडिसिन वगैरह मिलते हैं, मरीजों का इलाज होता है। तो आज हम फर्स्ट टाइम यहाँ अंदर आए और आप ऊपर देख सकते हो रामदेव बाबा की मूर्ति बनी हुई है और उनके पीछे ही उनकी सीट लगी हुई है। तो रामदेव बाबा ऐसे लग रहे हैं सेम जैसे कि असली के होंगे, बट असली नहीं है। मैं अभी आपको जूम करके भी बताऊँगी। तो देखिए, आप देख सकते हैं बाल एकदम जो दाढ़ी के हैं एकदम असली के लग रहे हैं ना। और हमने जब पास जाके देखा तभी हमें पता चला कि ये मूर्ति है। और अब हम आ गए हैं बाहर, ये देखिए। तो यहाँ से हम जाएंगे खाना खाने के लिए। और आज यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ थी लेकिन बाहर लोग बहुत कम दिखाई दे रहे थे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। तो चलिए अब चलते हैं हम खाना खाने के लिए। तो यहाँ से रास्ता है वहाँ रेस्टोरेंट में जाने के लिए यहाँ का जो है। और यहाँ एकदम सादा सिंपल खाना बनता है। सेकंड फ्लोर में अभी खाना खुल रखा है यहाँ, और फर्स्ट फ्लोर में बंद हो रखा था पिछली बार तो जब हम गए थे, लेकिन अभी खुल रखा है। वहाँ फास्ट फूड मिलता है और ऊपर खाना मिलता है सिंपल। तो यहाँ से एंटर करेंगे, आप वहाँ देख सकते हो ऊपर लिखा है अन्नपूर्णा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम खाना खा लेते हैं और आपसे मिलती हूँ मैं लास्ट में। आप तब तक वीडियो को एंजॉय करिए। बाय बाय। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरे चैनल को। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको क्या मेरे वीडियोस में मेरे चैनल में देखना है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।